वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो को बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैंने बताया है, वो है किसी भी गाड़ी के फुल डिटेल कैसे निकालें। कोई गाड़ी आता है, किसी को भी ठोक कर चला जाता है। अब ऐसे में ना हम उस आदमी को जानते हैं और ना ही वो गाड़ी को जानते हैं, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों घबराइए नहीं, मैं आपके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेना है। बस जब उसके नंबर नोट कर लेंगे, फिर उसके क्या जो भी ऑनर हैं या फिर वो गाड़ी कौन से गाड़ी है, कब निकला है, कब एक्सपायरी डेट होगा, इंश्योरेंस है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप फुल डिटेल के साथ जान सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के नंबर से। फिर इसके बाद आप कोई सा भी गाड़ी के फुल डिटेल निकाल सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कोई भी गाड़ी के डिटेल निकालना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो देखिए ताकि पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मोबाइल को हम स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पे मैं एक ऐप्स का उपयोग करने वाला हूँ, यानी कि एक ऐप्स के प्रयोग करने वाले हैं, उसकी मदद से हम ये सब चीज़ें जानेंगे, वो भी इंडिया का है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RTO इंडिया, ठीक है। इसके बाद सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च कर देंगे यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे नंबर में व्हीकल इन्फॉर्मेशन आएगा और इंडिया का फ्लैग का फ़ोटो आएगा। ये जो दूसरे नंबर में और पहले नंबर में है वो ऐड है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये तीसरे नंबर में है। ये बेस्ट एप्लीकेशन है किसी भी गाड़ी के डिटेल्स वगैरह निकालने के लिए या फिर इंश्योरेंस वगैरह देखने के लिए। तो आपको इसको क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है, तो अब सीधा ही मैं इसे ओपन करूँगा। तो आप भी डाउनलोड करके क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे पास, ये देख सकते हैं ये वाला ये एप्लीकेशन है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे इसका होम स्क्रीन आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का दिखेगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा स्टार्ट का, तो आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही स्टार्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन मिलेंगे आपको, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, चेक इंश्योरेंस और सर्च चालान। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ को आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन की मदद से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बात करने वाला था व्हीकल इन्फॉर्मेशन, यानी किसी भी गाड़ी के डिटेल्स को जानने के लिए। तो सबसे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आएगा इंटर व्हीकल नंबर। तो अपने गाड़ी का यानी जो भी गाड़ी के आप नंबर का डिटेल जानना चाहते हैं, जो भी गाड़ी का आप डिटेल जानना चाहते हैं, उस गाड़ी का नंबर यहाँ पे ऐड कर देना है। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं एक गाड़ी का नंबर यहाँ पे ऐड करूँगा और फिर देख लेते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए ऐड करते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का कोई लेना देना नहीं है, आप कैपिटल भी लिख सकते हैं स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लिख लेंगे जब यहाँ पे नंबर, तो ये सर्च का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे कुछ इस टाइप के देखिए शो करेगा और देखिए इस तरह हमारी इन्फॉर्मेशन आ चुका है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं पहले नंबर में ऑनर नाम आएगा, ऑनर नाम यानी कि इसमें बता रहा है इरफान सिद्दीकी। और दूसरा नंबर में आप देख सकते हैं व्हीकल इंश्योर्ड अप टू, यानी कि ये गाड़ी इंश्योरेंस हो चुका है, इंश्योर्ड लिख दिया है यानी कि इंश्योरेंस हो चुका है। तो आप यहाँ उसका तारीख भी देख सकते हैं। जैसे इसको स्क्रीन करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्कर मॉडल, यानी कि मॉडल भी यहाँ पे बताएगा, आप देख सकते हैं मॉडल। उसके जस्ट नीचे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट भी यहाँ बताएगा। फ्यूल टाइप यानी कि किस चीज़ से चलता है, तेल में कौन से तेल से चलता है वो भी बताएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं व्हीकल क्लास, तो आप देख सकते हैं क्लास भी बताएगा। उसके नीचे आप जस्ट देख सकते हैं चेसिस नंबर भी यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और दो चीज़ बता रहा है, वो है इंजन नंबर और दूसरा उसके नीचे और बता रहा है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, यानी कि ये कहाँ से इसको मतलब प्राधिकरण मिला है, कहाँ पर ये रजिस्टर हो चुका है वो यहाँ पे बताएगा। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है दुर्ग RTO छत्तीसगढ़, यानी कि ये छत्तीसगढ़ के ज़िला दुर्ग से, दुर्ग RTO से मतलब इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो दोस्तों इस तरह किसी भी गाड़ी का आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बहुत ही इसी तरीके से, सिर्फ आपको उस गाड़ी का नंबर ऐड करना है और बस इसके बाद आपके सामने उसका पूरा डिटेल खुल के आ जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इसी तरह के और भी नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।